हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्लास 10th में हो और बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में देना चाहते हो तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 2019 और 20 में पूछा गया है। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी कितनी संख्याएँ हैं? ठीक है, मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। क्वेश्चन बिल्कुल भी पल्ले क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गया होगा। ठीक है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन आपके सर के ऊपर से गया होगा ठीक है तो चलिए आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, इसमें दो अंकों की एक संख्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, एक संख्या बताना है और उसमें केवल दो ही अंक हों। ठीक है, ना ही 2 से कम हो और ना ही 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, फिक्स हमें दो ही अंक की एक संख्या बताना है। ठीक है, अब देखिए, जब दो अंक की संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। ठीक है, और देखिए, अब उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, और उन दो अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्या संभव है जो इस कंडीशन से दो संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। देखिए, हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे इकाई का अंक एक्स और दहाई का अंक वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान लेंगे। ठीक है, देखिए, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक है, देखिए, दो अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई के अंक भी होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हम लिखेंगे तब संख्या। ठीक है, तब संख्या, देखिए जो संख्या बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। देखिए, इकाई का अंक है x और दहाई का अंक है y। ठीक है, तो दहाई में देखिए 10 का गुना होता है। ठीक है, गुना होने के बाद ये प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या बनती है। चलिए आइए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आइए इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए, मान लो, सपोज करिए एक संख्या है 12। ठीक है, 12, तो ये किस प्रकार से संख्या बनी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए दो अंक हैं, ये वाला इकाई का अंक है और ये वाला जो दहाई का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये संख्या किस प्रकार से बनी होगी। ठीक है, तो ये संख्या किस तरह से बनती है, देखिए 10 प्लस 2, और 10 प्लस 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो इकाई का अंक होता है उसमें हम एक का गुना करते हैं। ठीक है, तो हम अगर हम दो में एक का गुना करें तो आएंगे 2। ठीक है, अब देखिए, जो दहाई का अंक होता है उसमें हम 10 का गुना करते हैं। ठीक है, तो एक में हम 10 का गुना करेंगे तो 10 का गुना एक में करेंगे। ठीक है, और क्या करते हैं, इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, इन दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तब हमारी एक संख्या बनती है। ठीक है, तो देखिए, 10 का गुना 1 में करेंगे तो आएगा 10। ठीक है, और प्लस का प्लस और 2 का 2। ठीक है, तो 10 और 2 12, तो इस तरह से ये संख्या बनती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यही सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, देखिए, इकाई का अंक है एक्स, जो दहाई का अंक है उसमें मैंने 10 का गुना करके इसको प्लस कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संख्या बनती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या किस तरह से बनती है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं दूसरी संख्या ले लेता, जैसे कि यहाँ पर ले लेता मैं 16। ठीक है, तो ये किस तरह से संख्या बनेगी, ये भी सेम इसी प्रोसेस से बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इकाई के अंक में 1 का गुणा करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, देखिए, इकाई के अंक में 1 का गुणा करेंगे तो 6। ठीक है, और देखिए, दहाई में हम क्या करते हैं, दहाई में इकाई दहाई, दहाई में हम 10 का गुणा करते हैं और उसको जोड़ देते हैं। देखिए, 10 का गुणा हम एक में करेंगे तो 10 एकम 10 प्लस 6। ठीक है, तो 10 और 6 16 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी संख्या बनती है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंकों को पलट देंगे। ठीक है, तो देखिए, इसका अंक कौन सा है, देखिए, इकाई का अंक है एक्स और दहाई का अंक है वाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंकों को पलट देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अंकों को पलटने से बनी संख्या, देखिए, 10x प्लस y बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी, देखिए, हमने अंकों को पलट दिए हैं। किस प्रकार से पलटे हैं, इन दोनों अंकों को बदला है। ठीक है, x की जगह y कर दिया है और y की जगह मैंने x कर दिया है। ठीक है, इस तरह से मैंने किया है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पर देखिए,
दो अंकों की एक तो संख्या है, ठीक है, और इसको अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो मूल संख्या निकल के आई है ये वाली संख्या और इस वाली अंकों को पलटने से बनी संख्या ये वाली संख्या, इनको अगर हम जोड़ दें इनका योग 66 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आइए इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जो ये वाली संख्या बनी है, ठीक है। तो देखिए ये वाली संख्या है 10y प्लस एक्स, ठीक है, और इस वाली संख्या का योग, ठीक है, इस वाली संख्या अंकों को पलटने से बनी संख्या है, ये है 10x प्लस वाई, ठीक है। तो जो इनका योग है वो कितना है, वो 66 है, ठीक है। इस तरह से हमें एक समीकरण यहाँ से मिलेगा, ठीक है। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर है 10y और यहाँ पर है 1y, ठीक है। तो 10 और एक 11y, ठीक है। तो हम यहाँ पर 11y, ठीक है। अब देखिए 10x और 1x 11x, ठीक है, तो प्लस 11x बराबर कितने हैं, बराबर है 66। तो सिंपली मैंने 66 रख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर से देखिए यहाँ पर से 11 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 11 कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं 66 में से 11 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर देखिए 11 और यहाँ पर बचेगा 6, ठीक है, 11 6 66, ठीक है। तो मैंने 66 में से 11 कॉमन लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 11 से ये वाले 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। तो फाइनली हम एक समीकरण मिल चुका है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन में से एक और समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि ये वाली संख्या है, ठीक है, हम क्या करेंगे संख्या के अंकों को लेंगे, ठीक है। अंक क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है, इनके अंकों का अंतर 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अंकों का अंतर 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अंकों का अंतर 2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे अंकों को लेंगे, ठीक है, अंक क्या है एक्स और वाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका अंतर कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, कितना है 2 है, ठीक है, तो 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक और समीकरण बना लिया, इसको हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे समीकरण ये हमें 2 मिल चुका है और समीकरण ये 1 है, ठीक है। तो हम देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो चलिए जोड़ते हैं, देखिए हम क्या करेंगे x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इधर वाले नंबर को हम इधर वाले नंबर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई, चलिए जोड़ते हैं, प्लस करेंगे तो हम जोड़ेंगे x माइनस वाई अब बराबर इधर वाले नंबर को हम इधर वाले नंबर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 6 प्लस 2, ठीक है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 1x और 1x 2x 2x बराबर 6 और 2 8। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से ये 8 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 चौक 8 x बराबर 4। तो फाइनली हमें x की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दें या हम समीकरण 2 में रख दें, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू फाइनली मिल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए रखते हैं, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख दें x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, देखिए यहाँ पर है x माइनस वाई, तो हम क्या करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए x की जगह हम क्या करेंगे 4 रख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम x की वैल्यू 4 निकाले हैं, तो x की जगह हम 4 रखेंगे, ठीक है, माइनस के y बराबर 2, ठीक है। अब देखिए क्या करने वाले हैं, y को हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है, और इधर लेके आएंगे, क्योंकि हमें y निकालना है, तो हम y को एक तरफ रखेंगे और वहाँ की संख्या को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक है, जब हम 2 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 बराबर। अब देखिए माइनस का वाई है, जब हम बराबर के इधर लेके जाएंगे तो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू फाइनली 2 मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो अब हमें फाइनली संख्या बतानी है कि वो संख्या क्या होगी, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे संख्या पूछी है, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ हम निकाल लेते, यहाँ पर देखिए
तब संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आइए पुट करते हैं। देखिए 10 है, 10 का 10 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए वाई की वैल्यू कितनी निकाले हैं, वाई की वैल्यू निकाले हैं 2। यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू निकाले हैं 2। ठीक है, तो वाई की जगह हम 2 रख देंगे और एक्स की जगह 4 रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाई की जगह हम रखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस हैं, प्लस लगाएंगे। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकाले थे 4, तो एक्स की वैल्यू 4। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, 10 दूनी 20 और प्लस 4। ठीक है, देखिए 20 और 4 कितने होते हैं, 24, 20 और 4 24। ठीक है, तो एक संख्या ये वाली बन सकेगी। ठीक है, अब देखिए 24 एक संख्या बनेगी। ठीक है, अब हम क्या करें, ऐसी कितनी संख्या बनेंगी। अब देखिए अगर हम इसके अंकों को पलट दें, ठीक है, अगर दूसरी संख्या हम बनाएं, यहाँ पर देखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम अंकों को पलट देंगे, या तो हम सीधी डायरेक्ट अगर यहीं से अंकों को पलट दें, 4 को हम इधर ले आएँ। ठीक है, 4 को इधर ले आएँ और 2 को इधर ले आएँ। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या जो दूसरी संख्या बनेगी वो बनेगी 42। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ही पलट दो तो आपको इजीली से संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा इजी से इसको करना चाहोगे तो देखिए अंकों को पलटने से बनी संख्या। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में एक्स और वाई के मान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, यहाँ पर देखिए 10 है। ठीक है, अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू निकली थी 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस है। अब देखिए वाई की वैल्यू निकली थी 2 रख दिए। ठीक है, अब देखिए 10 चौक 40। ठीक है, 40 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, 40 और 2 42। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक वैल्यू जो दूसरी वैल्यू थी फाइनली 42 मिल चुकी है। ठीक है, जब हमने संख्या निकाली तो वो पहली संख्या निकली थी 24। ठीक है, जब हमने इसके अंकों को पलटा, तो देखिए यहाँ पर 42 मिल चुकी है। तो हमने इसके अंकों को पलटकर फाइनली दूसरी संख्या निकाल दी है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पलट दो तो आपको 42 मिल जाएगी, या आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये दो संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, एक तो हमारी 24 मिलेगी और एक हमारी 42 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख दें, अतः संख्याएं 24 और 42 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2019 और 20 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।